हाँ प्यारे बच्चों, अपन ने पिछले लेक्चर में दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा था कि 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अब उस दर्पण सूत्र से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दर्पण सूत्र था वो क्या था बेटा, 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र था, ठीक है। यहाँ पे u क्या है, यहाँ पे u है सर बिंब दूरी, सब v क्या है, v है यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और f क्या है यहाँ पे फोकस दूरी, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है साइन कन्वेंशन की, चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल में चिन्ह परिपाटी काफी इंपोर्टेंट रोल अपनाएगी, ठीक है। तो देखो, एफ की बात करें फोकस दूरी, तो फोकस दूरी अगर बात करें तो जो अवतल दर्पण है, कितने दर्पण थे, दो दर्पण थे सर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी वो होगी नेगेटिव, और उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी वो क्या होगी, पॉजिटिव। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि साहब अवतल दर्पण आ गया, देखते ही समझ जाओ फोकस दूरी को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। उत्तल दर्पण आ गया तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या कर दो, पॉजिटिव, ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करें यू और वी की, कि साहब यू को कैसे लेना है, वी को कैसे लेना है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यू तो नेगेटिव होता है, यू तो क्या आता है, नेगेटिव आता है, लेकिन ये बात गलत है। अभी अपन आगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, दर्पणों का जब संयोजन पढ़ेंगे तब आप देखोगे यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यू भी क्या जाएगा, पॉजिटिव उन केस में, बात समझ रहे हो ना। तो इसके लिए आपके दिमाग में वो वाली चीज़ जो फिट कर रखी है आपने वो गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को साइन कन्वेंशन जब बताया था तब बोला था कि साहब ये आप लोगों का कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अच्छी बात है। इस अवतल दर्पण से, इस अवतल दर्पण के सामने कोई बिंब रखा है O, अवतल दर्पण के सामने क्या रखा है, बिंब O, ये क्या है यहाँ पे ध्रुव P, ठीक है। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं बेटा, नेगेटिव। जैसे सपोज दैट ये आपका ध्रुव है, इस ध्रुव के सामने ये क्या रखा है, बिंब, अच्छी बात है, बिंब रखा है यहां पे। सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, सभी दूरियां सर ध्रुव से मापी जाती हैं। तो आप लोग जैसे ये ध्रुव है, ध्रुव से कहां पे जा रहे हो बेटा, ओ के पास, तो आप ओ के पास जाओगे तो कौन सी डायरेक्शन में जाओगे बेटा, इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहां पे क्या जाएगा, ये नेगेटिव, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज दैट इसका प्रतिबिंब भी यहीं बना तो वो उसको भी क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। सपोज दैट इस बिंब का प्रतिबिंब यहां बना इस डायरेक्शन में, इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा कि ध्रुव से आपको किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यहां से इधर चलोगे तो यहां पर क्या जाएगा बेटा, पॉजिटिव, बात समझ में आ गई ना। सभी दूरियों का से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे, ठीक है। सामने रखा है नेगेटिव, प्रतिबिंब भी सामने बना नेगेटिव, क्योंकि ध्रुव से इधर चलना पड़ेगा, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में आप आ गए तो इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, पॉजिटिव। ये चीजें आप लोग जब भी क्वेश्चन वगैरह करें तब आप अपने दिमाग में रखो, ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, देखना एक बार। एक वस्तु, क्वेश्चन है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने
10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति व आवर्धन बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। तो जैसे ही अवतल दर्पण का नाम आया आपके दिमाग में आ गया साहब अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो क्या होती है बेटा? ऋणात्मक। तो यहां से लेकिन आपको दे रखा है वक्रता त्रिज्या, तो आर की वैल्यू दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, तो एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर अपॉन टू। तो आर कितना है बेटा? 15 बटे 2, लेकिन को क्या आएगा बेटा? माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है, ये भी क्या जाएगा यहाँ पे? माइनस में। तो एफ की वैल्यू आई माइनस का 15 बटा 2 सेंटीमीटर। पहली बात, अवतल दर्पण के सामने कितनी दूर रखी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो u बराबर कितना आ गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। अरे ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने रखी है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो आपको पता है ये बिंब है, तो ध्रुव से आप किस डायरेक्शन में जाओगे? इस डायरेक्शन में। तो क्या लेना पड़ेगा बेटा? नेगेटिव। तो u क्या गया? नेगेटिव। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और आवर्धन बताना है, मतलब v बताना है। सबसे पहला काम आप लोगों का v बताना, ठीक है, अच्छी बात है। तो स्टार्ट करें, तो सबसे पहले क्या करोगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है भाई? 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। आपको क्या चाहिए? v। तो 1/v = क्या हो जाएगा? 1/f - 1/u। अच्छी बात है सर। 1/v = f की वैल्यू कितनी है बेटा? f की वैल्यू है माइनस का 15 बटा 2, लेकिन 1/f है तो उल्टा करके लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2/15। माइनस u कितना है? माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो 1/v = कितना हो गया भाई? माइनस का 2/15, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस का 1/10। अच्छी बात है। एलसीएम लो, तो 1/v = कितना हो गया भाई? एलसीएम आएगा इसका 30, 15 में कितनी? 2, और ये क्या हो गया? माइनस का 4, 10 में कितना आ गया भाई? प्लस का 3, तो 1/v = हो गया माइनस का 1/30, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो v इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये आ गया v, ठीक है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में यह आया कि सर v माइनस का आ गया, स्थिति आपने बताई कि कहां बना? 30 सेंटीमीटर दूर बना। उसकी प्रकृति, जब भी माइनस आता है तो प्रकृति होती है भाई वास्तविक कोमा उल्टा, रियल और इन्वर्टेड। माइनस आया तो कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक बना और उल्टा बना। तुम बोलो सर हम इस बात को नहीं मानते सर, किस वास्तविक और उल्टा बना। चलो अभी मैं इसका प्रतिबिंब बना के आपको दिखा दूंगा कि वास्तव में वास्तविक और उल्टा, जब भी माइनस आता है तब क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। चलो अभी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आवर्धन और बता दूंगा आपको। आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है बेटा? देखो m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का मतलब इमेज hi अपॉन बिंब की ऊंचाई, इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ये फॉर्मूला होता है भाई। अब इस क्वेश्चन में इन दोनों के बारे में तो बात की नहीं, बात की v और u की। तो m इक्वल टू क्या हो गया भाई? माइनस, v कितना दे रखा है? माइनस का 30। u कितना है? u है माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कट गया, तो m बराबर क्या आ गया? माइनस का 3। तो m कितना आया? माइनस का 3, ठीक है। अच्छा बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब क्या है? जैसे आपका आंसर, तो देखो भाई क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा डिटेल में चीजों को समझते हैं कि सर m इक्वल टू माइनस 3 आया, इसका मतलब आया कि आपको पता है m इक्वल टू होता है h i अपॉन h o, तो m की वैल्यू आई माइनस का 3,
एच आई अपॉन एच ओ, तो एच आई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3H0। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, वो बिंब की ऊंचाई की 3 गुनी है। इसका मतलब ये है m जो माइनस का 3 आया, इसका मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की 3 गुनी है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यहां से एक बात और बता देता हूं मैं आपको, v अगर माइनस में आता है तो m भी किस में आता है, माइनस में। ये स्टैंडर्ड बातें हैं बेटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज का कंफ्यूजन, इसका प्रतिबिंब बना के दूर करता हूं कि सर हुआ क्या इसमें, वो जरा देखो आप। ठीक है, ठीक है, देखना। सबसे पहले कौन सा दर्पण था भाई, अवतल दर्पण था, ये लो, ठीक है ना। बिंब कितनी डिस्टेंस पे था, 10 सेंटीमीटर, ये लो लगभग 10 सेंटीमीटर, यहां कर लो भाई, यहां पे बिंब था 10 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरी बात करें, वक्रता त्रिज्या कितनी है बेटा, 15, तो 10 तो ये, तो 15 लगभग यहां से हो जाएगा, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेंटर कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर पे, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ें, देखो इसका फोकस कहाँ होगा, फोकस होगा वक्रता केंद्र का आधा, मतलब r बाई टू, 15/2, मतलब 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहाँ पे फोकस होगा इसका। ये कितने डिस्टेंस पे होगा बेटा, 7.5। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका प्रतिबिंब बना यहां, कितने डिस्टेंस पे बना, 30 सेंटीमीटर पे बना प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो, आपको पता है मैंने प्रतिबिंब बनाया था, ये कौन सा वाला केस है पता है, जब बिंब सी और एफ के बीच में स्थित हो, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि कौन सा केस है। तो मैंने पता लगाया कि यार ये केस तो जब बिंब सी और एफ के बीच में रखा हो, वो वाला केस है ये तो, क्योंकि ये रहा बिंब ओ, कहां रखा है, सी और एफ के बीच में। तो देखो, ये मान लो आपका बिंब है, ठीक है, यहां से रे आई, पैरेलल वाली कहां से जाएंगी बेटा, फोकस से, और जो फोकस से आई वो क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल, जो फोकस से आई वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो ये आने के बाद जैसे चली गई, यहां मिली, यहां पे क्या बन गया इसका प्रतिबिंब, ये क्या बन गया इसका प्रतिबिंब। तो मैंने ये देखो, बात सही है, ये केस था वहां पे भी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की 3 गुनी है, देखो इससे 3 गुनी, इससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है बेटा। ठीक है, इस बात का भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा वाला केस है। वैसे यहां तक आप लोगों का आंसर, मैंने बोला था कि प्रकृति माइनस आया तो वास्तविक वास्तव में बन रहा है, और उल्टा है, देख लो भाई उल्टा है, बिंब ऊपर है, प्रतिबिंब कहां है, नीचे, तो उल्टा भी बन रहा है। ठीक है ना, तो जब भी माइनस आ जाए आप समझ लेना प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक उल्टा। दूसरी बात, वी नेगेटिव आता है तो एम भी क्या आएगा, नेगेटिव। ये स्टैंडर्ड बातें हैं बेटा, ऐसा ही होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, आपके नोट्स हैं, नोट्स में क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा है जरा देखना एक बार, क्वेश्चन है 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण के से बिंब 3 गुना आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखना होगा।
बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। तो यू पता लगाना है, तो जो जो डाटा गिवन है वो मैं लिख देता हूँ एक बार। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर दे रखा है बेटा 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। बिंब का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब, तो देखो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि वास्तविक उल्टा, तो एम क्या आ रहा था, माइनस में आ रहा था ना, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बन रहा है, आभासी। तो आभासी के लिए एम क्या हो जाएगा बेटा, एम हो जाएगा प्लस का 3। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो एम की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस का 3। वस्तु को कहां रखना होगा, यू बताना है, ठीक है, अच्छी बात है सर। चलो दर्पण कौन सा है, वही अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है भाई, अवतल दर्पण। चलो देखते हैं, आपको पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है भाई, आर बाई टू। तो आर है 36 अपॉन 2, तो कितना आ गया 18। कौन सा दर्पण है भाई, अवतल, तो माइनस का जाएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू आई माइनस का 18 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। आगे बढ़े, अब आपको m गिवन है, तो m इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन यू। तो m इक्वल टू, m की वैल्यू, m की जगह क्या रख दो भाई, प्लस का 3, माइनस का v अपॉन यू। तो यहां से v इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 3u। v इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 3u, अच्छी बात है। दर्पण सूत्र लगाओ, दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। वी कितना है, वी पता नहीं, या वी की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 3u, प्लस का यू की जगह 1 अपॉन यू, एफ की जगह क्या जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 18, ठीक है, अच्छी बात है। एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 3u। अच्छा इस माइनस को यहाँ पे ले सकते हो आप, तो माइनस कितना आ गया 1, यू कितने टाइम बेटा, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 18, माइनस का 1 प्लस का 3, तो 2/3u इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/18, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यू को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो यू इक्वल टू आ गया माइनस का 2 × 18 / यू को इधर भेजा ना, तो ये आ गया 0.3, काटोगे भाई 6, तो यहाँ पे कितना आ गया, यू इक्वल टू माइनस का 12 सेंटीमीटर। लो भाई दिस इज योर आंसर, मतलब आपको बिंब को कहाँ रखना पड़ेगा, अवतल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, अरे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि प्लस का 3 क्यों आया, एम बराबर प्लस का 3 इसलिए आया क्योंकि प्रतिबिंब अगले ने बोल दिया कैसा बन रहा था, आभासी। अगर वो बोलता कि वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक के लिए एम इक्वल टू क्या लेते, माइनस का 3 लेते, बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोट्सों में, 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है, दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी तक रखा जाए ताकि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज का भी, साइज भी बताओ, ठीक है, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन है आपका, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अवतल दर्पण है, अच्छा पर्दे पर प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ गया कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इस क्वेश्चन में पर्दे पर उतार रहा है प्रतिबिंब, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है,
वास्तविक। ये बात हमारे दिमाग में आ गई पहले, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा, वास्तविक। ठीक है, चलो तो जो जो चीज है उसको एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे। 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती, इसका मतलब यह है कि मोमबत्ती अवतल दर्पण के सामने रखी है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर बिंब की ऊंचाई दे रखी है भाई 2.5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण तो R बराबर दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो F कितना हो जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। अरे सही है ना, F इक्वल टू R अपॉन 2 तो माइनस आ जाएगा, अवतल दर्पण दे रखा है तो माइनस का आएगा, अच्छी बात है। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर U बराबर दे रखा है कितना, माइनस का 27 सेंटीमीटर, सामने रख रहा है तो सामने रखोगे तो क्या आएगा माइनस का 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सब आपको सब कुछ बताना है। चलो भाई आओ, सबसे पहले V बताना है, सबसे पहले क्या बताना है V बता दो, क्या दिक्कत आ रही है, दर्पण सूत्र लगा दो सीधा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V + 1/U = 1/F। ठीक है, तो 1/V = क्या हो जाएगा 1/F - 1/U, अच्छी बात है। 1/V = F कितना है माइनस का 1/18 माइनस, और यू कितना दे रखा है माइनस का 27, तो 1/V माइनस का 1/18 माइनस माइनस प्लस 1/27। 1/V = क्या आ गया भाई, एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 54, कितना आ गया भाई माइनस का 3, सही है ना, माइनस का 3 प्लस का 2, तो 1/V = आ गया माइनस का 1/54। ठीक है ना, तो V = क्या आ गया माइनस का 54 सेंटीमीटर, आया कि नहीं आया, माइनस का 54 आया। तो अब आप लोगों को फटाफट दिमाग लगाओ यार, माइनस आ गया तो माइनस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब बना वास्तविक और उल्टा, ये प्रकृति है। मैंने बताया कि जब भी माइनस आ जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, अच्छी बात है भाई। चलो वी का काम हो गया, आवर्धन वगैरह सब बताना है, तो M = क्या है माइनस का V/U, बहुत अच्छी बात है भाई। तो M = -V कितना दे रखा है भाई, V दे रखा है माइनस का 54 आया, U कितना दे रखा है भाई, U माइनस का 27, माइनस का 27, माइनस से माइनस कट गया भाई, तो 27 को काटोगे तो दो बार कितना आया M की वैल्यू माइनस का 2। ठीक है ना, इसका मात्रक नहीं होता भाई, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, तो दोनों कट जाएंगे, ये मात्रकहीन होता है, इसलिए ओनली माइनस का 2 गई, यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर लगा दो, ठीक है ना, माइनस का 2। ठीक है ना, तो आवर्धन कितना आया माइनस का 2, बहुत अच्छी बात है। पर दूसरा काम भी हो गया भाई, एक काम और रह गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, देखो M = होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, अच्छा M कितना आया माइनस का 2, अच्छा HI कितना है, HI निकालना है, HO कितना है, HO 2.5 है, तो 2.5, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, HI कितना आ गया, HI आ गया साहब 2.5 × 2 माइनस का 5 सेंटीमीटर, HI कितना आया माइनस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब आप लोग इसका, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इसका प्रतिबिंब बनाया था ना कि साहब कैसे बनेगा, वैसे इसका काम हो गया, आंसर आ गया भाई आपका, यहां तक ही करना है आपको, लेकिन फिर भी एक बार इसका क्या करना, आप रफ कॉपी के अंदर इसका यहां प्रतिबिंब बनाना और ये देखना कि ये कौन सा वाला केस है, जो 6 केस करवाए थे आपको पता लगाना है कि ये वाला कौन सा केस है। ठीक है, तो इसका क्या बनाना है, एक बार प्रतिबिंब बनाना आप, ठीक है ना, कोशिश करना, नहीं आए तो फिर मैं बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है ना। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो आपके नोट्सों में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में आपके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना। नोट्सों में नहीं मिलेगा तो कहीं कंफ्यूज हो, सर कहां से है ये क्वेश्चन, तो देख लो एक बार, फटाफट लिखता हूं भाई जल्दी से, ठीक है ना। हाँ, मान लीजिए कि आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं, आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, बैठे हो तो आगे, फिर आगे बोला आप 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दृश्य दर्पण, पार्श्व दृश्य दर्पण दर्पण से किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं, ठीक है साहब। अच्छा, यदि धावक की चाल 5 मीटर पर सेकंड है तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा जबकि धावक 39 मीटर की दूरी पर है। लो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है भाई। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है सर, आपने ये क्वेश्चन लिखा। देखो, भाई आप स्थिर कार में बैठे हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके जो भी कार वगैरह होती है उनकी जो साइड के अंदर जो मिरर लगा होता है ना, वो कौन सा होता है बेटा? उत्तल दर्पण। अभी मैं अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग बताऊंगा, कहाँ कहाँ पे उपयोग में लेते हैं, तब आपको मैं बताऊंगा कि जो गाड़ियों के अंदर जो साइड वाला मिरर होता है, दर्पण होता है, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा दर्पण की बात करेंगे? उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण की बात करेंगे जरा बताना आप मेरे को? उत्तल दर्पण की, ठीक है। 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो R बराबर कितना दे रखा है भाई? 2 मीटर। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है तो प्लस का आएगा। F कितना हो जाएगा भाई? R/2, तो 2/2 प्लस का 1 मीटर, F आ गया भाई। अब किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं, ये धावक की चाल 5 मीटर पर सेकंड है तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, और धावक की दूरी 39, मतलब जो कार में बैठे हैं आप, कार में उत्तल दर्पण लगाए, आप देख रहे हो कि कोई धावक दौड़ता हुआ आ रहा है, तो सबसे पहले वो कितनी दूर है? 39 मीटर की दूरी पर है, तो सामने है ना, तो यू इक्वल टू क्या जाएगा? यू इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का माइनस का 39 मीटर, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में जब आप लोगों की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे 4 दे रखे हैं, 39, 19, 9 ऐसे दे रखा है, 29, तो मैं सिर्फ एक बता रहा हूं 39 वाला, कि जब धावक कितनी दूर हो, 39 मीटर की दूरी पर हो, बाकी जो भी 3 है वो खुद से करना, ठीक है। तो सुनो, देखो सबसे पहले क्या करना क्या है इसमें, कि सबसे पहले आप लोगों को पता है दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F, दर्पण सूत्र आ गया,
अच्छी बात है, दर्पण सूत्र आ गया। तो यहां से अगर मैं 1/v करूं तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। अच्छी बात है भाई, 1/u। तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया भाई, एलसीएम ले लो एफ यू, तो यहां पर आ जाएगा u माइनस एफ। तो यहां से अगर v की बात करें तो एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो भाई, इसी फॉर्मूले से तो बनाया है मैंने ये वाला, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज में ले सकते हो। अच्छा, सबसे पहले कितनी दूर है भाई, 39। तो v बराबर हो गया, जब वो देखो सुनो, जब धावक 39 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा वो देख लेते हैं पहले। तो f की वैल्यू है 1, u कितना है भाई माइनस का 39, बहुत अच्छी बात है, u कितना है माइनस का 39, और माइनस f कितना है भाई, f दे रखा है प्लस का 1, तो माइनस 1। तो v बराबर कितना आ गया, माइनस का 39 अपॉन माइनस का 40। तो ये कितना आ गया, v बराबर आ गया 39 अपॉन 40। जरा इसका वो देख लें, मात्र क्या होगा, मीटर में दे रखे हैं सारी चीज़ें, तो मीटर आएगा भाई। देखो मैं पहले एक बात बता रहा हूँ भाई, आप लोग ये मात्रक लगाना, इसका आधा नंबर होता है, ठीक है ना, मात्रक को नहीं भूलना। तो v बराबर कितना आ गया, 39 अपॉन 40 मीटर। अच्छा, अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें धावक की चाल, धावक की चाल क्या है भाई, धावक दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेग से, कितने से दौड़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से। अच्छी बात है, सुनो, सबसे पहले उत्तल दर्पण से जब बिंब कितनी दूर था, 39, सही बात है, प्रतिबिंब कहां बना, 39 अपॉन 40 मीटर पर। अब उसकी चाल क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है कि धावक एक सेकंड में कितना चलता है बेटा, एक सेकंड में चलता है 5 मीटर, ठीक है। तो एक सेकंड बाद धावक कहां होगा, एक सेकंड बाद धावक की स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति u बराबर हो जाएगा माइनस का 39 प्लस का 5, तो u इक्वल टू हो गया माइनस का 34 मीटर। अरे सही बात है, गलत बात है, एक सेकंड में कितना चल रहा है, वो 5 मीटर चल रहा है, तो एक सेकंड बाद में उसकी स्थिति क्या जाएगी, 34, 5 कम हो गई ना, पास आ रहा है उत्तल दर्पण के, तो कितना आ गया 34 मीटर। तो सिमिलर अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाओ और अब उसकी प्रतिबिंब की स्थिति देखो, तो एक सेकंड बाद प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसको v डैश से डिनोट कर दो, v डैश कितना हो जाएगा, f कितना है भाई 1, u कितना है इस बार माइनस का 34, अच्छा u कितना है भाई माइनस का 34, और f कितना है, f दे रखा है, f तो वही है प्लस का 1, तो v डैश बराबर कितना आ गया, माइनस का 34 अपॉन माइनस का 35, तो v डैश बराबर आ गया, माइनस माइनस कट गया, 34 अपॉन 35 मीटर। बैटरी अंतिम हाथ में, अब जो प्रतिबिंब की स्थिति है एक सेकंड बाद वो क्या होगी, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं प्रतिबिंब की स्थिति में परिवर्तन, कि साहब एक सेकंड में प्रतिबिंब की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, तो कितना हुआ भाई, पहले प्रतिबिंब कहां था, यहां, बाद में कहां है, यहां, तो इस वजह से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो v कितना आ गया, 39 अपॉन 40 माइनस 34 अपॉन 35, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ठीक है, अब इसको सोल्व करना, ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूं, इसका आएगा 1/20 मीटर, सोल्व करके देख लेना इसका क्या आएगा, 1/20। ये क्या गई स्थिति में परिवर्तन, कि साहब एक सेकंड में उसकी जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी तय की, कि साहब पहले यहां था, पहले कहां था, यहां, एक सेकंड बाद में कहां गया, यहां, तो इतना परिवर्तन हुआ। लेकिन आपको पूछा क्या था,
चाल बतानी है तो मैं आपको बताऊं, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी बटा कुल समय। अच्छा, तो दूरी कितनी आई, कितनी परिवर्तन हुआ प्रतिबिंब में एक सेकंड में, इतना, तो कितना हो जाएगा। और समय कितना है बेटा, 1 सेकंड, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/280 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। थोड़ी सी फिल्म बनाओ बेटा दिमाग में इस क्वेश्चन की, क्या किया कि साहब पहले बिंब था यहां, अच्छी बात है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, यहां, एक सेकंड में, क्योंकि उसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चला 5 मीटर, तो प्रतिबिंब कहां, सॉरी बिंब कहां आया 34, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, यहां, मतलब एक सेकंड में प्रतिबिंब यहां से यहां गया, इतना चला, ठीक है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आपको पता है औसत चाल पहुंची थी, तो कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी में कितना चला, दोनों को माइनस कर दिया, तो यह आया था, इसमें क्या कर दिया, टाइम 1 सेकंड का भाग दिया, यही वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। जो आगे के तीन हैं, जब बिंब 29 मीटर की दूरी पर हो, जब बिंब 19 मीटर की दूरी पर हो, जब बिंब 9 मीटर की दूरी पर रखो, ये आप खुद से करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, गोलीय दर्पण के उपयोग, ठीक है, अच्छी बात है। पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की, सब अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना, क्या होता है कि जैसे मैं आपको समझाऊं, अवतल दर्पण के बारे में आप समझते होंगे कि यहां से अगर बात करें, टू फोकस बीम एट ए पॉइंट, प्रकाश पुंज को, प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर फोकस करना, फोकसित कर रहे हैं, फोकस करना जो भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे इसका पहले मैं बात करूं, एंटीना, जो डिस एंटीना है ना, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। भाई तुम बोलो सर कैसे, बताओ। देखो भाई, ये आपका अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वायुमंडल से, ठीक है ना, वायुमंडल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये डिस एंटीना है, इस एंटीना में क्या लगा हुआ है बेटा, अवतल दर्पण लगा हुआ है, समझना। या वायुमंडल से विद्युत चुंबकीय तरंगे आई, ठीक है, तो इन तरंगों को क्या किया इस अवतल दर्पण ने, एक बिंदु पर फोकस कर दिया। आपको पता है ना, जो अनंत से आती है उनको क्या करता है बेटा, समांतर होती है उनको क्या करता है, एक बिंदु पर फोकस कर देता है। तो जो भी आप चैनल देख रहे हो उसका सिग्नल आप लोगों को मिल जाएगा, उसका सिग्नल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि सभी जो रे आ रही हैं वो एक ही बिंदु पर फोकस हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब यहां से एक बात पता चली हमको कि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश को ही एक बिंदु पर फोकस नहीं करता, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इनको भी क्या करता है, एक बिंदु पर फोकस करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का, ठीक है ना। तो आप लोगों का आंसर आएगा कि जो आप लोगों का अवतल दर्पण है ये क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इनको भी एक बिंदु पर क्या करता है, फोकसित करता है, ठीक है। और आप लोगों को जो भी सिग्नल, जो भी चैनल देखना है आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये काम किस में होता है बेटा, डिस एंटीना वगैरह में होता है, एक बिंदु पर क्या कर दिया उसने, फोकस कर दिया। दूसरी बात,
समांतर पुंज प्राप्त करने में, समांतर पुंज प्राप्त करने में, जैसे इसका यूज कहां कहां होता है, टॉर्च में। दूसरी बात करें कार की जो हेडलाइट होती है उनमें, कार की हेडलाइट में, ठीक है। अब वो कैसे, सुनो अच्छा है तो ध्यान देना, क्या होता है भाई कि जैसे आपका रूम है, रूम में मैंने क्या कर दिया, किसी भी बल्ब को जला दिया, तो रूम में आपने बल्ब जलाया तो आप क्या देखते हो कि प्रकाश पूरे रूम में फैल जाता है। लेकिन आपने देखा है कि कभी आपने टॉर्च जलाई तो टॉर्च का प्रकाश क्या होता है, एक सीधी डायरेक्शन में जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या हो रहा है, एक सीधी डायरेक्शन में जाता है। कैसे सर? देखो ऐसा होता क्या है, सुनो, कार की हेडलाइट भी है तो आप लोग क्या करते हो, रोड के ऊपर सीधी डायरेक्शन में क्या करोगे, आप प्रकाश जा रहा है उसको देखते हो। कैसे होता है वो सुनो, ये आप लोगों का अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण, अच्छी बात है। इस अवतल दर्पण का ये क्या है बेटा, फोकस। इस फोकस पर आपने एक बल्ब को जलाया, फोकस पर क्या हुआ, बल्ब को जला दिया भाई। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण के फोकस पर आपने क्या कर दिया, बल्ब को जला दिया। तो आपको पता है यहां से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी बेटा, समांतर। देखो समांतर हो गई कि नहीं हो गई, क्या हो गई, समांतर। अच्छा तो ये जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या करेंगी, एक ही डायरेक्शन में गति करेंगी। तो ऐसा ही टॉर्च में होता है, टॉर्च को जैसे आप जलाते हो तो क्या होता है, उसके अंदर प्रकाश क्या होता है, समांतर सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो बल्ब जलाते हो उसके बाहर क्या लगा होता है बेटा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, संचरित करता है, गमन करवाता है। तो इसमें क्या करते हैं, समांतर पुंज प्राप्त करने में, जो भी आप टॉर्च कार की हेडलाइट वगैरह में आप लोग क्या करते हो बेटा, यूज में लेते हो, कौन सा दर्पण लेते हो, अवतल दर्पण लेते हो। और तीसरी बात करें सेविंग दर्पण में, सेविंग दर्पण, ठीक है, सेविंग बनाने में कैसे। देखो पहली बात तो यह कि जो आप नई की दुकान पर जाते हो और जो आप लोग अपना प्रतिबिंब देखते हो वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। वो तो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। लेकिन मैंने बोला कि सर शेविंग दर्पण में आपने अवतल दर्पण बता रहे हो, वो कैसे। देखो बेटा एक गोल सा दर्पण आता है अगर आपने देखा हो तो, ठीक है, उसमें क्या होता है, मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या है, आपको आपके सामने अवतल दर्पण है, ठीक है, आपको कैसा प्रतिबिंब चाहिए, सीधा। लेकिन आपने देखा कि अवतल दर्पण में पांच प्रतिबिंब तो कैसे बन रहे थे, उल्टे, और लास्ट छठा केस था वो कैसा प्रतिबिंब बना रहा था, सीधा। अरे बना रहा था कि नहीं बना रहा था, बना रहा था, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, मेरी बात को समझना, ये अवतल दर्पण है, अच्छा ये आपका ध्रुव है और ये आपका क्या है, फोकस। आपने बीच में क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट रखा, तो रे आई, फोकस से चली गई, अच्छी बात है। जो पोल पे गई वो कैसे चली गई भाई, ठीक है, पीछे से आपने देखा तो इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन गया। बिंब कहाँ है, ये रहा, प्रतिबिंब कहाँ है, ये रहा, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बन गया, अच्छी बात है। अब इसका प्रतिबिंब ये बन गया तो आप लोग कैसे नजर आओगे, सीधा और आभासी। तो आप लोग अपना प्रतिबिंब क्या होगा देख लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में भी एक विचार आया, सर एक बात बताओ, अच्छी बात है कि ऐसा होगा और आपने प्रतिबिंब कैसा बना दिया, बड़ा बना दिया, प्रतिबिंब बड़ा बना भाई बिंब से, तो ये जरूरी है कि क्या हम जो अवतल दर्पण है उसके ध्रुव और फोकस के बीच में रहें, जैसे हम तो यहाँ आ गए तो प्रतिबिंब तो उल्टा बन जाएगा और हम तो नजर ही नहीं आएंगे। बेटा इसमें क्या होता है कि जो फोकस बिंदु होता है वो और ध्रुव के बीच की दूरी क्या लेते हैं, अपन बहुत ज्यादा लेते हैं। तो जब भी आप आओगे तो आप कहां पर रहोगे, एफ और पी के बीच में ही रहोगे, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और आप सेविंग वगैरह कर सकते हो।
बात समझ आ गई ना, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलो तो इसलिए आप जब भी रहोगे इनके बीच में ही रहोगे। तो ये तो क्या हो गया आप लोगों के, कौन सा दर्पण के यूज बता दिए बेटा मैंने, अवतल दर्पण की यूज बता दिए। इसके अलावा बात करें उत्तल दर्पण की, बेटा उत्तल दर्पण क्या होता है, जैसे नोट्स वगैरह में लिखा है कि उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, जो आप लोगों के कार वगैरह के अंदर जो साइड वाला मिरर होता है बगल में लगा हुआ जो दर्पण है, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के यूज में लेते हैं, ठीक है। ये इसका मुख्य रूप से उपयोग है और आप नोट्सों में देख लेना, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया भाई, आज अपन ने अभी तक क्या किया बेटा, न्यूमेरिकल किए और थोड़े से मैंने इसके क्या बताया आप लोगों के उपयोग बताया कि कहाँ कहाँ पे अवतल दर्पण का यूज और उत्तल दर्पण का यूज होता है। अब अपन बात करते हैं ठीक है, तो बेटा अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये आपकी पृथक्कारी सतह है। अब तुम बोलोगे सर पृथक्कारी सतह का मतलब क्या होता है, अरे भाई इसका मतलब है ये वाली सतह दो माध्यमों को पृथक कर रही है, मतलब दो माध्यमों को पृथक का मतलब वो अलग अलग कर रही है ये सतह, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस पृथक्कारी सतह पर प्रकाश की किरण आई, ठीक है, आने के बाद ये जैसे ये पृथक्कारी सतह का एक थोड़ा सा और मतलब बताओ, ये माध्यम वन है और ये क्या है, माध्यम दो, अलग अलग माध्यम है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण, तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो गई, या तो इसके इधर चली गई या इधर चली गई, अपने मूल मार्ग से विचलित हो गई। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सी है बेटा, अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है बेटा, अपवर्तित किरण, अच्छी बात है। प्रकाश की किरण क्या हुआ बेटा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना, ठीक है। ये क्या आ गया आप लोगों का, अभिलंब, ये क्या आ गया बेटा, अभिलंब, अच्छी बात है। ये क्या है, आपतन कोण आई, और ये क्या है भाई, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का अपवर्तन कोण आर, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, अच्छा समझ आ गया हो। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या बोलते हैं, आई का मतलब हो गया आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। अब सबसे पहले दिमाग में तुम्हारी यह आया कि सर ऐसा होता क्यों है, बस समझ आ गया ना, अपने मूल मार्ग से विचलित क्यों होती है प्रकाश की किरण। तो बेटा देखो इसका मतलब यह है, इसका रीजन है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम लोगे ना तो प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग, सही है, क्योंकि अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है, तो उनकी चाल भी क्या होगी, अलग अलग, ठीक है ना। इसलिए अपने जो मूल पात उससे क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर। अब यहां पे क्या हुआ, मैं दो बात आपको बताने जा रहा हूं, दिमाग में रखना। पहली बात क्या है, ये प्रकाश की किरण आई, दो बातें हैं, ये अभी लंब है और ये इसका मूल मार्ग है। तो जैसे मैंने लिया ये कैसा, विरल माध्यम, और ये क्या है बेटा, सघन माध्यम, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, तो प्रकाश और दूसरी बात कर रहे हैं यहां पे ही कर लेते हैं, दो बात कर लेते हैं एक साथ ही। यह प्रकाश की किरण है, ये क्या है बेटा, अभिलंब, ठीक है। ये कैसा माध्यम है, इस वाले केस में सघन, और इस वाले केस में ये कैसा माध्यम है, विरल। ये क्या गया आप लोगों का मूल मार्ग, इस माध्यम का, इस माध्यम में जो प्रकाश की किरण आई थी उसका वेग कितना था बेटा, v, या इसका मान लो v1, इसमें फ्रीक्वेंसी है न्यू, और न्यू वन मतलब आवर्ती, और तरंग दैर्ध्य क्या है बेटा, लैम्डा वन। इस माध्यम का वेग कितना है, वी टू, इसकी आवर्ती क्या है, न्यू टू, और उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा टू। सिमिलर इसका वेग वी वन, आवर्ती न्यू वन, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा वन। वेग वी टू, आवर्ती न्यू टू, और तरंग दैर्ध्य क्या हो गई भाई, लैम्डा, ठीक है। ये आपतन कोण आई, और ये भी आपतन कोण क्या हो गया आई। तो मैंने दो केस बता रहा हूं इधर और इधर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले है कि प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल से सघन में। तो बेटा जब विरल से सघन में जाएगी ना, तो पहली बात तो यह है कि प्रकाश की किरण का वेग कम हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, कम। अरे यार एक बात बताओ, ये तो खुले मैदान में आपको दौड़ाऊं मैं, ठीक है, तो खुले मैदान में आपका वेग ज्यादा होगा, और कहीं भीड़ है उसमें दौड़ाऊं भाग भाई, तो वहां पर वेग क्या हो जाएगा आपका, कम होगा कि नहीं होगा भीड़ में। तो ये सघन माध्यम है, भीड़ है मतलब वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा साहब। तो जब कम हो जाता है ना, तो ये जो प्रकाश की किरण है ना, वो अभिलंब की ओर घूम जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है बेटा। यहां पे क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रही है, तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी बेटा, अभिलंब से दूर हो जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर। अब देखो आपको पता है सघन में जा रही है तो वेग क्या हो जाएगा, यहां पर वी टू है तो वी टू का मान क्या हो जाएगा, जरा बताना, वी टू का मान सर कम हो जाएगा किससे, वी वन से। यहां पर क्या हो जाएगा, वेग बढ़ेगा क्योंकि विरल माध्यम है, तो वी टू का मान ज्यादा होगा किससे, वी वन से, इस वाले केस में और इस वाले केस में, अच्छी बात है। दूसरी बात, आवर्ती तो स्रोत का गुण होता है तो ये तो बराबर रहेगी, ठीक है। और बात करें लैम्डा की, तो मैं आपको बता देता हूं एक फॉर्मूला आपको पढ़ोगे, वी बराबर न्यू लैम्डा, ये एक फॉर्मूला होता है, ये वी वेग होता है, न्यू आवर्ती होती है बेटा, और ये क्या होती है, तरंग दैर्ध्य है, ये क्या होती है, तरंग दैर्ध्य है। तो मैंने बताया वी बराबर न्यू लैम्डा, तो वी किसके समानुपाती है, लैम्डा के, वी क्योंकि न्यू तो बराबर है, न्यू वी किसके समानुपाती है, लैम्डा के, सॉरी वी किसके समानुपाती है बेटा, लैम्डा के। तो जिसका वी ज्यादा लैम्डा भी ज्यादा, इसका मतलब हो गया वी टू ज्यादा तो लैम्डा, सॉरी वी टू कम तो लैम्डा टू भी क्या हो जाएगा, कम, लैम्डा टू इज लेस देन लैम्डा वन। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है बेटा। न्यू क्या रहेगा, सेम, वेग क्या हो जाएगा दूसरे माध्यम का, क्योंकि सघन है कम, तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, कम। अच्छा बस समझ में आ गई, इसमें आओ वही कहानी, वी टू ज्यादा है ना इसमें, तो इस ये वाला फॉर्मूला, वी समानुपाती लैम्डा, तो वी टू ज्यादा है ना, तो लैम्डा टू भी क्या हो जाएगा, ज्यादा किसके, लैम्डा वन के। लो भाई, अरे भाई बैठ रहा है दिमाग में, ये क्या हो जाएगा आर, ये भी क्या हो जाएगा आर, इसमें आर का मान क्या होगा, आई से ज्यादा, इस वाले केस में आर का मान ज्यादा होगा कोण आई से,
अब यहाँ पे ये मत बोल देना तुम वो परावर्तन की तरह कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। नहीं बेटा, देखो आपके सामने आर ज्यादा है, अभिलंब से दूर चली गई बेटा, इस वाले में देखो अभिलंब के पास आ गई, तो आर का मान क्या है? कम है, कम है ऐसे, और आई का मान क्या है? ज्यादा। ये लो, ये छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों को जिनका ध्यान रखना है, ठीक है ना। न्यू क्या होती है? स्रोत का गुण होती है, इसलिए आवर्ती पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इन पे ये फर्क पड़ेगा बेटा, ठीक है। आपके नोट्सों में दे रखी है, एक बार मैं नोट्सों में आपको बता दूं कि आपतित किरण को अभिलंब के साथ, देखो इसमें बोल रखा है अपवर्तन के कारण के बाद में, कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन, विरल से सघन, ये रहा बेटा, विरल से सघन में जाती है ना, तो क्या बोला? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है, सघन से विरल की ओर जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। और सारी चीजें दे रखी है इसके अंदर, कोण ज्यादा है कोण कम है, ठीक है ना, ये आप लोग खुद कर लेना। चलो इसके बाद में ये छोटी छोटी बातें हैं भाई जिनको आपको ध्यान रखना है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब आता है अपवर्तन के नियम। क्या आता है बेटा? अपवर्तन के नियम। लो भाई, अपवर्तन के नियम, पहला नियम है अपवर्तन के नियम में, पहला नियम है आपतित किरण, नोट्स में देख लेना, प्रथम नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं बेटा? एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रथम नियम तो यह होता है। और दूसरा नियम क्या होता है? प्रथम नियम आगे समझ में आ गया होगा, वही है सेम। दूसरा नियम देखो, ठीक है, वैसे एक बार मैं इसका स्टेटमेंट जो आपके नोटबुक में दे रखा है उसको फटके बता देता हूं, फिर उसको मैं ड्राइव भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन का मतलब आई, कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर, ज्या का मतलब साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का मान एक नियतांक होता है जो कि द्वितीय माध्यम के प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब ये क्या बोला वो एक बार मैं यहां पे ड्राइव करता हूं। देखो बेटा, इसमें एक्सपेरिमेंटली रूप से ये क्या किया गया, मेरी बात को समझना, कि साहब ऐसे माध्यम वन और ये क्या लिया गया बेटा, माध्यम टू, सीधा लिख रहा हूं, माध्यम एक और माध्यम दो, प्रकाश की किरण आई, यह अभिलंब है और अपवर्तित हो गई, अच्छी बात है भाई। ये दूसरी बात करें, ये वही माध्यम एक माध्यम दो, प्रकाश की किरण आई और अपवर्तित हो गई। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण आई और अपवर्तित हो गई भाई, ये लो अपवर्तित हो गई। ये जो साइंटिस्टों ने प्रयोग किए थे ना उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कैसे कैसे क्या, ऐसे अचानक से तो कोई नियम बनता नहीं है, पहले बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर जो अच्छे सबसे फाइनल रिजल्ट, जो सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है ना वो आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत होती है भाई। लेकिन आपको तो वही बताया जाता है जो सभी एक्सपेरिमेंट का जो मेन रिजल्ट होता है ना वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या था वो सुनो, पहले क्या हो रहा था, ये माध्यम दो, इसमें भी आई चली गई, चली गई, ये आई और चली गई, अच्छी बात है। अब देखो, इसका आपतन कोण आई वन और इसको बोल दो आर वन, ये आई टू, ये आर टू, ये आई थ्री और ये आर थ्री, ये माध्यम वन, ये माध्यम दो, ठीक है।
यहां पे क्या हुआ, इसका अपवर्तनांक जैसे म्यू वन मान लो इस माध्यम का, इसका क्या मान लो म्यू टू अपवर्तनांक, ठीक है, म्यू वन और म्यू टू। अब अपवर्तनांक क्या होता है उसकी परिभाषा भी मैं बताऊंगा थोड़ी, नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा, लेकिन इसका अपवर्तनांक मान लो म्यू वन और इस माध्यम का क्या है म्यू टू। तो यहां से यह पता लगाया गया कि साइन आई वन अपोन साइन आर वन, आई वन अपोन आर वन बराबर होता है साइन आई टू अपोन साइन आर टू, बराबर होता है साइन आई थ्री अपोन साइन आर थ्री। ये आपस में तीनों क्या होते हैं बराबर, और ये किसके बराबर होते हैं बेटा कांस्टेंट, मतलब नियतांक, नियत। ये क्या होता है बेटा नियत होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने क्या बोला, देखो कंडीशन ये है कि जो माध्यम इसके लिए था इस किरण के लिए वही माध्यम इसके लिए, मतलब ये दो जो माध्यम है ना सेम माध्यम यहाँ पे भी वही दोनों होने चाहिए, यहाँ पे भी वही दोनों सेम माध्यम का होने चाहिए ये यहाँ। तो अगर ऐसा आपने किया तो साइन आई वन अपोन आर वन, आई टू अपोन आर टू, आई थ्री अपोन आर थ्री, इनका जो अनुपात है ये क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। अच्छी बात है। फिर यहां से बोला गया कि साइन आई अपोन साइन आर है ना, ये तो आपस में इक्वल है, तो मैंने ये जो नियतांक है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है म्यू टू अपोन म्यू वन। इसको बोल सकते हो ऐसे भी बोल सकते हो, पहले माध्यम का क्या था म्यू वन और दूसरे का क्या था बेटा म्यू टू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन के बराबर हो जाएगा। इस म्यू टू अपॉन म्यू वन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका मतलब यह होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन का, ठीक है। अब बेटा यहां से क्या हो कि यह बात भी आएगी, ठीक है ना, लेकिन अभी समझ लो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं वन म्यू टू। यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, यह होगा कि नहीं होगा भाई। तो इसी को बोला जाता है स्नेल का नियम, इसी को क्या बोलते हैं बेटा स्नेल का नियम, इसी को क्या बोला जाता है बेटा स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अब देखो, अब मैं वापस से बोल जो लैंग्वेज थी उसको वापस एक बार पढ़ता हूं। सबसे पहले साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए कि दोनों माध्यम अगर सेम है तीनों के लिए तो इनका जो अनुपात होगा वो नियतांक के बराबर होगा। तो इसको मैंने लिख दिया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, ये कांस्टेंट ये नियतांक किसके बराबर होगा म्यू टू अपॉन म्यू वन के। इसको क्या लिख सकते हो वन म्यू टू द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अच्छा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसी को क्या बोलते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं भाई, सही किया ना, म्यू वन साइन आई सही। तो इसमें बोला, अब देखो फड़ो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या आर यानी साइन आर का मान एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जो कि द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यहां से ये क्या आ गया बेटा स्नेल का नियम आ गया। इस मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग इससे रिलेटेड क्या करेंगे बेटा न्यूमेरिकल भी करेंगे, इससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे बेटा, ठीक है। और एक छोटी सी बात और बता दूं बेटा, वो जो मैं बताया था ना अंग्रेजी वर्णमाला में, तो बेटा वहां पर एक अक्षर होता और होता है बेटा वाई, उसको और देख लेना बेटा, कौन सा वाला वाई, ए एच एम आई ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और एक और कौन सा होता है बेटा 11, तो 11 अक्षर होते हैं बेटा, ठीक है ना, इस चीज को एक बार और देख लेना वाई।
ये वाई है ना, देखो चक्कर ये पड़ गया कि ये वाई को कैसे लिखते हैं, इस वाई को लिखा जाता है ऐसे। तो जब ऐसे लिखोगे ना तो इसका क्या हो जाएगा, पार्श्व प्रतिबिंब नहीं होगा इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चलो कोई मतलब नहीं है उसका, तो ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलो।